बच्चों तो आज हम आपके लिए क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 3.6 का लास्ट वीडियो लेके आए हैं चैप्टर 3 का, और इसके बाद हमारा हो जाएगा एंड चैप्टर नंबर 3। और आपने मेरे को बहुत स्टार्टिंग, अभी हम स्टार्ट करते हैं, बड़े दिनों बाद आई 3.6 एक्सरसाइज। तो चलिए एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आप मेरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वाली, मैं पिछली तीन दो तीन वीडियो से बोलता आ रहा हूँ कि वो वाली एक बार देख ले। वो 1 month हो चुका, 1.5 month हो चुका, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, इसी प्लेलिस्ट पर भी मिल जाएगी, ठीक है, चैप्टर 3 की। और एक और वीडियो देखो, अब भी मिल जाएगी आपको मास्टर वीडियो की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, ठीक है। ये भी इसको भी 1.5 या 1 month से हो चुका है, 1 month इसको भी, ये भी आपको ठीक से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.6 से। हेडिंग डाल लो, नोट्स बनाने नोट्स बना लो, रफ लेके बैठ जाओ, पेन ले लो, और साथ में साइड में एनसीईआरटी की बुक रख लो मैथ की, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/2x, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है, वरना आप रखा करो अपने पास, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि कईयों के पास नहीं है तो इसलिए वो देख सके यहाँ पे, ठीक है। ये है फर्स्ट पार्ट, और दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन होती है, ठीक है। 1/3x प्लस 1/2y है, और 3/6, ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। हाँ यही क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला हमें कि हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ठीक है, लीस्ट फॉर्म में। देख लो क्या लिखा है हमें, रिड्यूसिंग, रिड्यूस करना हमें, मतलब रिड्यूस मतलब 3x प्लस dy प्लस c की फॉर्म में लाना है, ठीक है, इस फॉर्म में लाना है। अभी 1/2x ये सारी अभी हमारी फ्रैक्शनल में है, x की वैल्यू डिनोमिनेटर में, हमें न्यूमरेटर में लाना है कैसे ना कैसे करके। तो ये वाले क्वेश्चन भी मैंने कराए थे बहुत डिटेल में, उस वाली एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वाली में, वाली दो पार्ट है उसके, दोनों पार्ट देख लो, इसमें देखना ही पड़ेगा। पहले वाले वीडियो में बोला था कि मत देखो, चाहे एक पार्ट देख लो, पर इसमें दोनों पार्ट देखने पड़ेंगे तभी समझ आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पहले। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, क्या करोगे इसमें, इसमें एक्स बाय फंक्शन, इसको हम क्या करेंगे, अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1/x लेट 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू ए। आप एलसीएम वगैरह सारी लेके देखोगे तो भी नहीं होएगा ये, देखो एलसीएम लेके दिखाऊंगा मैं, बहुत सारे बच्चे एलसीएम लेके करेंगे, ठीक है, एलसीएम से आएगा ही नहीं, बीच में रुक जाओगे, नहीं ट्राई मत करना, मैं ये बता दूँ। देख लो एलसीएम तुम ले लो, लोगे प्लस 2x, ठीक है, अपॉन 6xy इज इक्वल टू 2, 12xy 3y प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे बाद में आपसे होएगा नहीं, सिर्फ वापिस आपको लेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस वैसे ही लेट करते हैं, लेट 1/s इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये किया हमने लेट, और लेट 1/y इज इक्वल टू बी, तो आ जाएगा हमारा 1/2a प्लस 1/3 बी इज इक्वल टू 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6x2, ठीक है। ये हमारी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, रिड्यूस हमने कर दिया, ठीक है। अब इसका करते हैं ऐसे, इस पार्ट को इसको भी 1/x से, ठीक है, तो 1/3a प्लस 1/2b इज इक्वल टू 13/6, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू, ये 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 6 इधर आएगा, ठीक है, ये वाली चीज हट के 6 इधर जाएगा, 6 6 कट जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 13। ये तो हो गई हमारी रिड्यूस, अब हमें क्या करना है, क्या करना है आगे, क्या करोगे, हम एक बार आंसर देखेंगे। हाँ मैंने देख लिया है, पर आप अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पीछे एक बार आंसर देखो कि यहीं पे ही हमें छोड़ना है या फिर हमें और उसको फर्दर सॉल्व करना है इक्वेशन को, ठीक है। देखो जल्दी एक और बार देख लो एक्सरसाइज 3.6 क्या दे रखा है हमें, 3.6 हमें वैल्यूज भी निकालनी है, ठीक है, वैल्यूज भी निकालनी है, इसकी वैल्यूज भी दे रखी है एक्स और वाई की, तो
बस हमारे पास दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लो आप। करता हूँ मैं, ये है हमारी दो इक्वेशन, थ्री ए प्लस टू बी, इसको इधर लिख दूंगा। देखो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, कोएफिशिएंट सिमिलर हो जाए, बताओ। किसी एक को भी कर दो या दोनों को करना पड़ेगा इसमें। देखो ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से, 6 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 9 39, इसको 2 से 4 24। ठीक है, सब ट्रैक करूंगा, ये पूरा हट जाएगा, ये 5b आ जाएगा इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 3। ठीक है, b इज इक्वल टू 3, a अब a भी निकाल लेते हैं, हम इस वाली इक्वेशन में डाल दूँ, 2a खाली 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, 2a इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 30 माइनस 9 a इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 बाय एक्स था ए, 1 बाय एक्स है ए, एक्स आ गया हमारा 1 बाय 2। ठीक है, एक्स 1 बाय 2 बाय ऐसी बाय हो जाएगा हमारा 1 बाय 3। ठीक है, हो गया वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इजी था ये वाला, मैंने आपको थोड़ी याद रिवीजन करवा दी। ठीक है, कि कैसे कैसे होने वो लेट लेट करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे रूट टाइप में। ठीक है, क्या है रूट, 3 बाय रूट एक्स प्लस 2 बाय रूट वाई इज इक्वल टू 2, 2 है। ठीक है, और 4 बाय रूट एक्स माइनस 9 बाय रूट वाई इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखो रूट देख के घबराओ मत, इसको क्या करो, वैसे भी सॉल्व हो सकता है, पर मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, अगर आप ज़्यादा ठीक से इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो। ठीक है, रूट एक्स की जगह आप ले लो पी और सी ले लो, रूट एक्स इज इक्वल टू पी, रूट वाई इज इक्वल टू पी। ठीक है, बस ये सोचो, सोच के, ठीक है, लेना नहीं है कुछ, पी क्यू। ठीक है, सोच लो रूट नहीं है, सोच लो रूट नहीं है। ठीक है, रूट नहीं है ये सोचो। ठीक है, तो इसलिए हम अब क्या करेंगे, 1 बाय पी करेंगे, 1 बाय पी ए करेंगे लेफ्ट। ठीक है, इसको वेरिएबल को डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में लेके जाना है। सोच लो यही, अभी हमें एक्स वाई रूट एक्स वाई कुछ नहीं दे रखा, पी और क्यू या ऐसा क्वेश्चन है, इसको हमें न्यूमरेटर में लेके जाना है। 1 बाय पी मैं लेफ्ट कर दूंगा, कोई और वेरिएबल ए कर दूंगा मैं, और 1 बाय क्यू कर दूंगा मैं बी। ठीक है, अब देखो हमने पी को रूट एक्स ओरिजिनली पी को रूट एक्स लिया था, बस इसको पी की जगह रूट एक्स, क्यू की जगह रूट वाई, ये करना था, बस लेट करना आपको। ठीक है, चाहे वो रूट में हो चाहे कैसे भी हो, ए और बी आ गया मेरा, सिंप्लीफाई करो बस। 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, ये वाली इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन कैसे आ जाएगी, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 1। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4a माइनस 9b, इसको 4 से, इसको 3 से करना पड़ेगा, है ना। इससे अच्छा मैं इसको 9 से और इसको 2 से कर दूँ, ये वाली सिमिलर हो जाएगी, छोड़ो ये वाली कर दो, इसमें माइनस भी है। ठीक है, इसकी मैंने समझाई थी, पर अगर नहीं देखी आपने तो देख लो एक और बार जाके। इस वाले ए को ही करते हैं, ए के कोएफिशिएंट को, 12 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगी, 12a प्लस 8b इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगी 12a माइनस 27b इज इक्वल टू माइनस 3, ये प्लस बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये प्लस ये माइनस, ये कट जाएगा, ये 35b इज इक्वल टू 11, ये आएगा 8b 35b इज इक्वल टू 11, बी आ गया हमारा 11 बाय 35। ठीक है, यही आना है, एक और बार देख लेते हैं हम, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू आ गया, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 और इसको 3 से कर दिया हमने, 12a प्लस 8b इज इक्वल टू 8, 12a माइनस 27b माइनस 3। ठीक है, बिल्कुल सही है, 35b इज इक्वल टू 11। ठीक है, बी आ गया हमारी 11 बाय 35,
अब ए निकाल क्यू ए निकाल दिया एक सेकेंड, आप ए निकाल लो ठीक है, इंक डाल लेते हैं हम इतने। चलो इक्वल टू ए क्या है हमारा, थ्री ए इस वाली इक्वेशन में डाल के देखते हैं, थ्री ए प्लस टू इलेवन बाई 35 इज इक्वल टू टू, थ्री ए इज इक्वल टू टू माइनस 22 बाय 35, 35 ये 70 हो जाएगा, 70 माइनस 22 52, 58 सॉरी 48 आ जाएगा, 48 बाय 50 ठीक है, 70 माइनस 22 48, तो 48 बाय 50 यही आ गया। हमें क्या करना था, इस फॉर्म में निकालना था रूट एक्स और रूट यू, रूट एक्स सॉरी रूट वाई ठीक है, रूट एक्स 11 बाय 35 था, 1 बाय रूट एक्स इज इक्वल टू 11 बाय 35, एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 11 बाय 35 इज इक्वल टू रूट एक्स, तो रूट एक्स आ जाएगा 35 बाय 11। अब बताओ एक्स एक्स निकालना है ठीक है, एक्स क्या होगा, इधर से रूट हटा के इधर लगा दूँ, नहीं क्या करोगे, क्या करोगे स्क्वायर करोगे, रूट एक्स देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड से ही तो रूट हटेगा, उस साइड लेके जाने से थोड़ा हटेगा रूट, स्क्वायर कर दोगे ठीक है जाएगा आ जाएगा इसका एक्स का, ऐसे वाई का आ जाएगा आपका, सॉरी वाई का वाई था ये ठीक है, ए को लिया था हमने बंदा रूट एक्स, तो रूट एक्स आ जाएगा आपका 35 बाय 48 होल स्क्वायर आ जाएगा ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, नेक्स्ट अब जल्दी जल्दी करते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, आप देखते नहीं है ना, तुम देखते नहीं लंबी, एक एक घंटे की सर, एक घंटे की कौन देखता है, थर्ड पार्ट जल्दी, थर्ड पार्ट 4 बाय एक्स प्लस बी वाई और क्या है हमारा 3 बाय एक्स माइनस 4 वाई ठीक है, ये वाला है, ये है हमारे, इसमें क्या करोगे y को भी लोगे, y को लेट करोगे नहीं करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारा x वाला वेरिएबल है, तो इसको लेट करोगे, लेट 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ए ठीक है, 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23, इन दोनों को 3, इसको 3 से इसको 4 से ठीक है, 3 पर ये 4 से 12 आ जाएगा, 12 ए 9 बाय 3 से 14 28 30 टू 42 ठीक है, 42 ये 12 ए ये 16 बाय ये 80 92 ठीक है आ जाएगा, ये 12 ए 12 ए कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 50 इक्वल टू 25 बाय इक्वल टू 50 बाय आ गया हमारा 2 ठीक है, ए निकाल लेते हैं, क्या है 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14 था इस वाली इक्वेशन को लिया मैंने ठीक है, ये भी सेम है बस हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 3 और 4 से ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे आप आंसर तो वही रहेगा, अरे देखो इधर से 12a है प्लस 9y इज इक्वल टू 42, इसमें से तुम अगर 3 कॉमन लोगे, 3 कॉमन इधर हमने लिया एल एच एस में 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इधर से कॉमन ले, याद आएगा तुम्हारा 13 था क्या था 14 था ठीक है, 3 इधर से कॉमन 3 इधर से कॉमन 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा दोनों कट जाएंगे ठीक है, यही फॉर्म है ये ठीक है, कंटिन्यू करो 12a प्लस 9 सॉरी 4a प्लस 3y, 3 में 2 की वैल्यू y में 2 की वैल्यू 6 इधर जाके ये तो जाएगा 4a हमें क्या निकालना था 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2, एक्स और वाई निकालना था, निकल गया हमारा एक्स और वाई। अब देखो फोर्थ पार्ट डिफिकल्ट है या नहीं, देखो ये भी बहुत इजी ही है अगर आपने ठीक से एक बार ट्राई किया हो, ट्राई करो एक बार ये वाला पार्ट
मैं बोल रहा हूँ ट्राई करो, होएगा, देख देता हूँ मैं क्या है। 5 by 8 - 1 है +1 by 9, 1 by 9 - 2 = 2, 2 6 by 8 - 9 और है -3 by 9 - 2। ये क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो फिर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, एलसीएम लो पहले, एलसीएम लोगे नहीं लोगे, इसमें क्या करोगे लाइक। अरे पूरा डिनोमिनेटर उठा के देखो, कर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक पॉज कर लो अगर नहीं दिया तो, ट्राई करो एक बार, ट्राई फिर मैं बताता हूँ, बताओ। देखो इसमें कॉमन क्या है, डिनोमिनेटर कॉमन है y-2 y-2, x-1 x-1, तो क्या करोगे तुम, लेट लेट पूरा 1 by x-y = 1, 1 by y-2 = 2, बस बिल्कुल बाकी का सिमिलर है बिल्कुल, जो अभी तक हम करते आए। क्या है अब देख लो, 5a + 1b = 2, 6a + 1 - 3b = 2, ठीक है। यही है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। -3 से मल्टीप्लाई करूँगा, -16 बन जाएगा, ये -3 भी बन जाएगा, ये -3 भी -3, ठीक है। ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, जब सब ट्रैक करने लगे हम तो ये तो काट गया, ये -21a, ये -3, ये आया हमारा a = 1/3, 1/3 है, माइनस माइनस कट गया ना, 21 a = 7/21, 1/3, ठीक है। बी निकाल लो ऐसे, 6a - 3b = 1, 6a - 3b = 1, 2 2 - 3b = 1, 3b = -1, ठीक है। -3b = -1, तो इधर जाके ये कट गया, b = 1/3। देखो दोनों की सेम वैल्यूज आई, ठीक है। बस ये वैल्यूज डाल देगा, 1/3, ये भी 1/3, 3 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना y-3, ये इधर 3 आ जाएगा, इसकी जगह y-3, ऐसे ये इधर 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा x-1, निकाल लो x = 4 आ गया और y = 5, ठीक है। माइनस इधर जाके x = 4 y = 5, ख्याल है इजी बहुत, बताओ कमेंट कर दो हुआ था ये क्वेश्चन, हुआ या नहीं हुआ, हो गया, हो जाना चाहिए था। चलो कोई भी, सीखा आपने कुछ, ये तो खैर NCERT का ही था, अभी तो और बुक्स पे भी करना आपको, ठीक है। NCERT आपके रिवीजन के लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ NCERT बस रिवीजन के लिए, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस एग्जाम्स के लिए दूसरी बुक्स में से करेंगे, ठीक है। NCERT में आपको पता चल जाता है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अब उस टाइप से एक टाइप के मान लो आपको पता चल गए NCERT में से हर टाइप के क्वेश्चन आपको पता चले, हर टाइप के एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है हर टाइप का, या मैक्सिमम दो, ठीक है। अब इसको एग्जाम्स के लिए आपको चाहिए रेफरेंस बुक्स चाहिए ही चाहिए मैथ के लिए, या रेफरेंस बुक्स नहीं है आपके पास तो नेट पे से सर्च कर लो, नेट पे से आप सैंपल पेपर्स करो, सैंपल पेपर्स हजारों हैं। देखो सैंपल पेपर्स क्या मतलब कि एक तो बोर्ड की क्लास में आप बोर्ड हर साल सैंपल पेपर निकालते हैं, एक तो सैंपल पेपर निकालते हैं और एक ओरिजिनल पेपर जो हर साल का आता है, साइज पे आप नेट पे सर्च करो, बोर्ड क्लास 10, 2019, 2018, 2017, 2016 सारे आपको मिलेंगे। मैक्सिमम आप 2015 तक के लिए करो या 2016 बस, आगे ऊपर जाओगे तो बहुत पुराने लेवल के मिलेंगे क्वेश्चन, बाकी ना 2013 अगर कोई इम्पोर्टेंट होता है
2012-2013, 11 या 10 या 9, तो उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ हर चैप्टर में, ठीक है, हर चैप्टर वाइज। चलिए फोर्थ पार्ट, फोर्थ या फिफ्थ, फिफ्थ है ना, हाँ फिफ्थ पार्ट, 7x-2y, ये भी इजी है। अभी बताया था फर्स्ट पार्ट में, बताया था, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट पार्ट में क्या रिवर्स करके देखो, ऐसे ही होना है बिल्कुल सेम जैसे मैंने बताया था ना, (8x+7y)/(8x+9=15)। क्या करना है इसमें, क्या लगता है? ठीक है, लेट वन बाय वाई इक्वल टू एंड लेट वन बाय सॉरी हाँ वन बाय वाई इक्वल टू है वन बाय एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, मिटा दूंगा ऊपर का। अब 7a-2b=5 आ गया, और 8a+2 sorry +7b=15। देखो अब क्या करोगे, सेम करना हमें, इसको 2 से कर दो, इसको 7 से कर दूंगा, या इसको 7 और 2 से कर दूँ, इसको 7 और इसको -2 से करना पड़ेगा, ये -2 भी है, ठीक है, माइनस इधर माइनस होना चाहिए, -14b और ये -16 है और ये -30, ठीक है, ये बन जाएगा। 7 को कर दो सबसे, 49a-2b=30, ठीक है, ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 55, a=65, तो ये कट जाएगा, a=1 आगे हमारे a=1 b निकाल लो। अब a1 आ गया, 8a+7b=15 था, 8+7b=15, 7b=7b=1, बस b=1 आ गया, a=1, तो y हमारा y भी वन आ जाएगा, 1/1 क्या होता है, y सॉरी 1/1=1, ठीक है, 1/1=1 आ गया, तो y=1, ऐसे ही है x=2, देखो ना 1/x=b है, x=2 इधर आ जाएगा 1/b, और b की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1/1 गंदा हो गया, थोड़ा देख लो चल, ठीक है, दिख रहा होगा शायद, देख लूँ मैं, दिख रहा है नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है, वन आ जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे हमारा लास्ट सिक्स पार्ट, 7th/8th ट्राई करना, नहीं होता कमेंट में बताओ, पर्सनल वीडियो बनाऊँगा आपसे, ठीक है, सिक्स पार्ट ईमेल कर दो वरना, अगर मैं कमेंट्स में नहीं देख पाता, वरना सारे कमेंट्स देखता हूँ, रिप्लाई भी दिया मैंने बहुत के दिन में, देख सकता हूँ, ठीक है, तो सिक्स पार्ट आप मेरी ईमेल पे मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, वो मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है, ठीक है, इसमें क्या करोगे, इसमें बस एक स्टेप फर्दर करके दे रखा है, ठीक है, इसमें भी रिवर्स कर दो आप, चलो देख कर आप कर लो ट्राई, बार मैं बता रहा हूँ, बताओ देखो 6x+3y, मैं एक्स वाई वाले पार्ट को इधर ले जाऊँ तो डिवाइड हो जाएगा, (0:6) अब हम जैसे कोई भी होता है, मान लो a है और इधर x+y है, ठीक है, ये अगर होता है तो a को आप दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, ax करोगे प्लस ay करोगे, सेम इधर करना, 6x को एक बार एक्स वाई से करना है मल्टीप्लाई, फिर 3y को एक बार एक्स वाई से करना, ठीक है, ऐसे हम लोगे तो कॉमन आ जाएगा एक्स वाई, वो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस हमने सेपरेट सेपरेट लिखा ताकि हमारे एक्स एक्स कट जाए, ठीक है, ये पिछले में भी मैंने समझाया था, 6y आ गया, 3x आ गया, ऐसे ये हो जाएगा हमारा 2x, ये मैं लिख दूँ सिंपल वैल्यू, 2x/(2x+y)/(4y)/(5x)/(2x)/(2x+4x)=5,
ठीक है, 1/y लेट कर लेंगे, 1/y इज इक्वल टू ए, 1/x इज इक्वल टू बी। ठीक है, मान लिया है हमने। अब ये दो हमारी एक अच्छी सी इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लो, कर दो। अरे हाँ, 6a प्लस bb इज इक्वल टू 6, 2a प्लस 4 b इज इक्वल टू 5। ठीक है, 6 वाला कोएफिशिएंट सिंगुलर कर दें। जितनी सोचते हो तुम कि किस से क्या करना है, किस से क्या करना है, बस ये सोचो इसमें एलिमिनेशन मेथड में कि आपको कोएफिशिएंट सिमिलर करना है, बिल्कुल सेम, चाहे इसका करो ए का करो या बी का, फर्स्ट वेरिएबल का करो या सेकंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब ये जो न्यूमेरिकल पार्ट आगे रखते हैं, ठीक है, वो कोएफिशिएंट होता है न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट जो भी आगे लगता है वेरिएबल के, वो होता है हमारा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को सिमिलर बनाना, क्या कुछ करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस वन से मल्टीप्लाई करो, 3, 2, 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करो, कोएफिशिएंट दोनों के सेम बनाओ। जैसे अगर इधर 7 होता, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता ताकि 14 में आए, और इस वाली इक्वेशन को 7 से करता ताकि 14 में आए। ठीक है, अभी कोई ज़रूरत नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे को, 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 15। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस का है, ये माइनस आ गया, ये पूरा कट गया, -9b इज इक्वल टू -9, c इज इक्वल टू, एक निकाल लेते हैं, 6a प्लस 3 इज इक्वल टू 6 निकाल देंगे। ठीक है, 6a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू। ठीक है, ये आ गया हमारा, अब एक्स की ये डाल दो वैल्यू, वाई आ जाएगा हमारा 2, एक्स आ जाएगा हमारा, देख लो इसमें डाल के देख लो, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाली वॉच करो यहाँ पे, अगर नहीं देखी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाली वो देखो, कर दी स्टार्ट। क्या है हमारा, वी कैन गो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लोइंग विद स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट मतलब बिजली का करंट, बिजली वाला करंट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट वाला नहीं, नॉर्मल करंट मतलब फ्लो। ठीक है, फ्लो, फ्लो को ही करंट बोल रखा। ठीक है, फ्लो लिख लो चाहे तो, सिंपल भाषा में लिखना चाहते हो तो। एक नाम दिया हुआ है, उसने नाम का क्या करना है, जो डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की क्या होती है, हम देखो स्टिल वाटर की हम क्या मानेंगे, स्टिल वाटर की स्पीड मैंने वाई मान ली, वाई मान ली, और जो जिस स्पीड से वो रो कर रही है, स्पीड ऑफ बोट मान लो। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू एक्स, सिर्फ स्पीड ऑफ बोट, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी वाला ध्यान से इसमें दिमाग लगा के लगाओ, वो ही मैंने बताई थी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाली में, आसानी से मैं बता देता हूँ, देख लो। मान लो तो मैं एक एलिवेटर, मैंने उसमें भी समझा दी वाला एलिवेटर है। ठीक है, एलिवेटर अपने आप जो चलता रहता है ना, मेट्रो स्टेशन में लगे रहते हैं, मॉल्स में लगे रहते हैं। ठीक है, वो एलिवेटर है, चलता रहेगा, वो चलते रहेगा, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ऊपर, ऊपर कहाँ, ऊपर तुम शैतान। ठीक है, तुम यहाँ से यहाँ पे खड़े हो, फंस रहे हो, तुम जा रहे हो नीचे, तुम्हारा मन किया मैं नीचे जाऊँगा, कितनी स्पीड से, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से ही जाओगे तुम भी। तो बाहर से तुम्हारे मम्मी देख रही है या मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मम्मी या पापा कोई भी देख रहा है या मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को तुम लगोगे, मैं सिर्फ अगर इतना पोर्शन देखूंगा तुम्हारा, सिर्फ इतना। ठीक है, स्टेयर्स नहीं दिख रही मेरे को, स्टेयर्स नहीं दिख रही। ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन दिख रहा है, मेरे को लगोगे कि तुम खड़े हो, बस तुम खड़े हो, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड से तुम आगे जा रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड से तुम्हें पीछे खींच रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी तुम स्टिल रहोगे, मतलब ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी, ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड,
ठीक है, ये तुम्हारी ऑब्जर्व वेलोसिटी है, ठीक है, सॉरी ग्राउंड में विद रिस्पेक्ट टू ये जो भी है, ये तुम्हारा एलिवेटर, ठीक है, ये ग्राउंड मान लो, तुम ग्राउंड मान लो, ग्राउंड लगा दो, ठीक है, मान लो ग्राउंड ही तुम्हारा चले जा रहा है, पेयर हटा दो, ठीक है, यही है फॉर्मूला तुम्हारी रियल वेलोसिटी माइनस माइनस तुम्हारी जो नीचे जा रही है उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू ऑब्जर्व, मतलब जो देख रहा है उसको उतनी वेलोसिटी लगेगी। ये तो आ गया अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये है हमारा अपस्ट्रीम का केस है। तुम ट्रेडमिल का भी ले सकते हो, ठीक है, वो तो चले जा रहा फ्लो, तुम भाग रहे हो, फिर भी तुम स्टिल खड़े हो किसी रिलेटिव वेलोसिटी के कारण, ठीक है, वो अपस्ट्रीम का ही होता है वो भी केस। अब मान लो ये भी नीचे ही चल रही है, ठीक है, नीचे ही जा रही है 10 मीटर से, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो तुम्हारी अगर मैं देख रहा हूँ तो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो आप, ठीक है, देखना अगर ट्रेडमिल या कुछ भी, एलिवेटर पे आप सीधे खड़े रहोगे और नीचे जा रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड तो धीरे हो गए आप, स्टिल खड़े हो, क्योंकि इसमें ये वाली ये 0 मीटर पर सेकेंड है, 0 मीटर पर सेकेंड स्टिल खड़े हो आप, तो इसलिए आप धीरे जा रहे हो, इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा 10 मीटर पर सेकेंड, जितनी एलिवेटर की है उतनी से ही नीचे जा रहे हो आप। पर अगर इसमें आप भागने लग गए, भागोगे तेज हो जाएगी स्पीड, खुद को या आपको ऑब्जर्व कोई और देख रहा होगा उसको ही पता चल जाएगी आपकी स्पीड बहुत तेज है, क्योंकि ये दोनों आपकी ऐड हो गई है, एलिवेटर की और आपकी खुद की, ठीक है, अगर आप ये एलिवेटर स्टॉप रहेगा खुद भागोगे तो भी इतनी फास्ट नहीं रहेगी जब दोनों चल रहे होंगे, क्योंकि ऐड होंगे सेम डायरेक्शन। बहुत अच्छे तरीके से समझा दी, नहीं आई समझ एक और बार तो इतनी 2 मिनट में समझा, 2-5 मिनट में, इतने 5 मिनट में इतना समझा सकते आप, 1 घंटे की मेरी शायद 30 मिनट की होगी, 30 मिनट की एक एक पार्ट, 30 30 मिनट का, बहुत अच्छे से समझाया वो, देख लो। चलो अब स्पीड में क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी तुम्हारी एक्स माइनस वाई, है ना, डाउन स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई, ऐड होगी डाउन स्पीड, मतलब कि उसी डायरेक्शन में फ्लो के करंट करंट के डायरेक्शन में ही तुम चल रहे, मतलब ये पानी जा रहा है, तुम्हारी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है डाउन स्पीड, अब की अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो इसलिए माइनस लगा एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये आ गई। तुम्हें डिस्टेंस पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है, ठीक है, यही फॉर्मूला होगा, स्पीड हमें एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस कितना दिया हमें, बोला 20 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम दिया, डाउनस्ट्रीम में लगा देते हैं एक्सप्रेस में, डिस्टेंस 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, टू ही लिखोगे, आवर्स है, किलोमीटर पर आवर होती है ना, किलोमीटर में हमारे पास ये आवर में, मिनट में ज़्यादा अपनी थोड़ा सोचना कि आवर्स में किलोमीटर पर आवर में ही होती है, या अगर अभी और भी सुनो, मान लो ये तुम्हें दे रखा मीटर में, सुनो, और ये दे रखा तुम्हें मिनट में, तो तुम्हें 2 मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड होती है और किलोमीटर पर आर होती है, ध्यान से याद कर लो, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 120 सेकंड लगाना पड़ेगा, ठीक है, चलो किलोमीटर अभी जो और आर 2 मिनट, ठीक है, ये काट लिया, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और अब स्क्रीन देख लो एक बार, एंड अब स्क्रीन 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4 इन 2 आवर्स, ये कट के 2 आवर्स, ठीक है, आ गया आंसर, आ जाएगा 4 और 6, करके देख लो आप, 6 इसकी स्पीड ऑफ बोट और इसकी 4, अरे दो इक्वेशन आ गई हैं, सॉल्व कर लो, इजी है, ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, थर्ड पार्ट मैंने ये 3 4 बार करा चुका हूँ, थर्ड पार्ट आप देख लो, उस अपस्ट्रीम वाली दोनों में देखना, आप इस वाले पार्ट के लिए पार्ट 2 देख लो, बस कौन से थर्ड पार्ट के लिए, ठीक है, उसमें भी मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि
ये वाला कवर हो रहा है, ये वाला कवर तो हो ही रहा है, साथ में इससे इसके टाइप के और सारे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, एक दो पार्ट हैं इस पार्ट से मिलते जुलते, ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, अब सेकंड पार्ट पे हम जाते हैं। सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल अपने सारे फोन वोन सब साइड में रख लो और ध्यान से सुनना। सेकंड पार्ट बहुत 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 ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। टू वर्क इन 20 डेज, ठीक है, इन 4 डेज, सॉरी 4 डेज और दूसरा 3 डेज, ठीक है, 4 डेज और 3 डेज, 3 मिलर और 6 मंथ, ठीक है, हमें ये दे रखा भाई। और हमें बोला कि एक मेन और एक वुमेन कितनी देर में काम करते हैं, एक मेन अलग से एक वुमेन अलग से। तो हम डब्ल्यू को 1 वुमेन की स्पीड, ठीक है, स्पीड काउंट कर रहे हैं, तो हमें दे रखा 2 वुमेन, तो 2 वुमेन की स्पीड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैन ऐसी 1 मैन की स्पीड हमें दे रखी है 4 डेज में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक दिन में, 1 डे में, 1 डे में कितना काम करेंगे, ये 1/4 वर्क करेंगे, 1/3 वर्क करेंगे, ठीक है। मतलब एक दिन में अगर 1 पूरा वर्क कर रहे थे, सॉरी 4 दिन में 1 वर्क कर रहे थे, तो एक दिन में 1/4 वर्क करेंगे, ऐसी 1/3 है, ठीक है, 1/4 और 1/3, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, निकालते हैं 2 विमेन, इसको एलसीएम लेके, एलसीएम थोड़ा एलसीएम नहीं ऐसी ले, ठीक है, ऐसी करो, ठीक है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से, ठीक है, 6 आ जाएगा इधर, 6 3 से 15 और ये 3/3, ठीक है, ऐसी ये 2/3 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 6, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके मैंने ये 3 m 3 m इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3, ठीक है, ये बन गया हमारा। इसको निकाल लो, सी एम ये 3 9 - 8/12 इज इक्वल टू 3 m। सोचो सिर्फ एक ही मैन का निकालना हमें, इसलिए मैं इधर उधर नहीं कर रहा, सिर्फ हमें एक मैन का निकालना है, और एक मैन सिर्फ हमारे पास अगर कैपिटल एम बचना चाहिए। 3 को भी अभी मैं इधर ले जाऊंगा, देखते हैं 1/12, 3 को अभी इधर ले जाऊँ 3, तो एक मैन 1/36 ऑफ वर्क करता है एक दिन में, 1 डे, ठीक है, इधर छोड़ दो, डब्ल्यू वीमेन में आते हैं, ठीक है, वीमेन के पे आते हैं, इसमें डब्ल्यू आ जाएगा 6 W में डाल लो प्लस 15/36, 5/12 इज इक्वल टू 3/4 था ना, एलसीएम सेम करने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9/12, 5/12 उधर जाके माइनस 5/12 इज इक्वल टू 6W, 6W इज इक्वल टू 4/12, 1/3, W इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 1/8, ठीक है, 1/18 ऑफ वर्क करके एक वुमेन एक दिन में, वुमेन 1/18 ऑफ अ होल वर्क एक दिन में कर रही थी, ऐसी ये 18 ऑफ होल वर्क इन 1 डे, ठीक है। तो हमें पूछा है कि पूरा वर्क कितने दिन में करेगा, ये डाल दिया मैंने 1/36 वर्क इज इन 1 डे, फुल वर्क मतलब 1 वर्क विल बी डन इन 36 डेज, ऐसी 1/18 वर्क आपका एक दिन आपका 18 डेज में होगा, ठीक है। तो W आ गया 18 डेज और मैन आ गया 36, ठीक है। इसी के साथ हमारा होता है चैप्टर 3 कम्प्लीट।